दोस्तों कल एक शॉर्ट वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किया था जहां पर मैं आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को किसके बारे में वीडियो चाहिए, आप लोग कमेंट करो। और इसी वजह से ए भाई ने कमेंट किया है, भाई वायरल टैग कैसे फाइंड करें। तो कमेंट को देखकर मैं भी सोचा कि अपना वादा भी पूरा कर देता हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि वायरल टैग कैसे फाइंड करना है। वैसे हम लोग तो बहुत सारे वीडियो देखते हैं वायरल टैग फाइंड करने के ऊपर, लेकिन जो उस वीडियो में बताते हैं वो सब टिप्स और ट्रिक हम लोगों के वीडियो में काम नहीं करते है। हम लोगों का वीडियो वायरल नहीं होता है, लेकिन वो सब टिप्स और ट्रिक क्यों काम नहीं करते आपके चैनल पर? और आप लोगों को अपने चैनल को वायरल करने के लिए क्या करना होगा और कैसे आपको टैग्स लगाना है, वायरल टैग्स कहां से फाइंड करना है, इसके बारे में सब कुछ डिटेल्स आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बट इससे पहले अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ऑल सेलेक्ट कीजिए ताकि हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले सबसे जरूरी एक बात मैं आप लोगों को बोल देता हूँ, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि वायरल टैग लगाने से ही हम लोगों का वीडियो वायरल हो जाएगा तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं कि वायरल टैग लगाने से कोई भी वीडियो वायरल नहीं होता है। हाँ वायरल तो होता है, लेकिन ये 100% काम नहीं करते। टैग लगाने से या फिर ट्रेंडिंग टैग लगाने से, वायरल टैग लगाने से जो टैग वर्क करते हैं, टैग के जरिए जो हम लोग का वीडियो वायरल होते है वो 10% से 20% तक ही होता है, और बाकी 80% उस वीडियो की सभी चीजों के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे कि टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, थंबनेल हो गया, वीडियो क्वालिटी, साउंड क्वालिटी, बोलने का स्टाइल, समझाने का स्टाइल, और ये टैग हम लोग के वीडियो को वायरल करने में कब साथ देता है? देखिए जब हम लोग के वीडियो की क्वालिटी अच्छा होता है, साउंड क्वालिटी, बोलने का तरीका और लोगों को समझाने का स्टाइल अगर अच्छा है, लोग अगर हम लोग का वीडियो ज्यादा टाइम देखते हैं, ऑडियंस रिटेंशन अगर अच्छा होता है, वॉच टाइम ज्यादा इंक्रीज होता है, लाइक और कमेंट अगर ज्यादा आते हैं, तो उस वक्त टैग जो है उस वीडियो को वायरल करने में मदद करेगा। और एक इंपॉर्टेंट बात पहले मैं बोलना भूल गया था, तो अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, वीडियो वायरल होने के लिए अपने कैटेगरी के अंदर ट्रेंडिंग टॉपिक भी होना जरूरी होता है कुछ परसेंट। और अगर आपकी वीडियो की क्वालिटी, साउंड क्वालिटी, समझाने का स्टाइल, वीडियो में जितना चीज होना जरूरी होता है वो सब अगर अच्छी तरह नहीं होता है, और उसके बाद अगर आप ऐसा सोच रहे कि सिर्फ टैग के जरिए अपने चैनल को ग्रो कर लूंगा, टैग के जरिए अपना वीडियो वायरल कर दूंगा, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। लेकिन अगर आपका ये सभी कुछ सही है तो आगे जो टिप्स मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं वो टिप्स आप जान लीजिए, बहुत ज्यादा मदद मिलेगा इस टिप्स के जरिए वीडियो वायरल करने के लिए। और वायरल टैग फाइंड करने का भी 2-3 तरीका है मेरे पास, यहाँ पर मैं आप लोगों को 2 तरीका बताने वाला हूँ जो कि मैं अक्सर यूज करता हूँ टैग लगाते वक्त। एग्जाम्पल के तौर पर आप मान लीजिए कि यूट्यूब थंबनेल के ऊपर मैं एक वीडियो बनाया हूँ जहाँ पर मैं बताया हूँ कि YouTube की थंबनेल कैसे बनाया जाता है, तो उस वक्त YouTube में सर्च कर लेता हूँ हाउ टू मेक थंबनेल। तो जब मैं यहाँ पर सर्च किया हूँ हाउ टू मेक थंबनेल, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे बहुत सारा टैग है, हाउ टू मेक थंबनेल फॉर यूट्यूब वीडियोस, हाउ टू मेक थंबनेल्स, हाउ टू मेक थंबनेल फॉर पबजी मोबाइल। देखिए यहाँ पर जब भी हम लोग कुछ कैटेगरी के हिसाब से सर्च करते हैं तो उसी से रिलेटेड बहुत सारा टाइटल ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, और इसी से हम लोगों को क्या करना है, टैग लगाने का आइडिया ले लेना है। और मैं खुद ये काम करता हूँ, और यहाँ से तो कुछ आइडिया ले लेता हूँ, उसके बाद मैं क्या करता हूँ डायरेक्ट इसे सर्च कर देता हूँ। सर्च करने के बाद हमारे सामने उससे रिलेटेड बहुत सारा वीडियोस आ जाते हैं, और बहुत सारे लोग जो लोग हमसे भी बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, और वो लोग थंबनेल का क्या टाइटल रखा है, डेप्टेक जो थंबनेल के ऊपर वीडियो बनाया है हाउ टू मेक थंबनेल्स फॉर यूट्यूब वीडियोस ऑन एंड्रॉयड, तो मैं क्या करता हूँ कि इस वीडियो का टाइटल अपने टैग के जगह पर लगा देता हूँ, आइडिया ले लेता हूँ लेकिन अपने हाथ से टाइप करके लगा देता हूँ। उसके बाद नीचे और एक वीडियो है जो कि अक्ष वर्मा का, जो कि बहुत अच्छा क्रिएटर है, बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं, तो यहाँ पर टाइटल लिखा है हाउ टू मेक प्रोफेशनल थंबनेल्स, तो इससे मुझे याद आ जाते है कि ये भी एक टैग लगाना मुझे जरूरी है। तो इस तरह करके मैं टैग लगाता हूँ अपने वीडियोस के लिए। गाइस टैग ही तो फाइंड करना है, और एक ट्रिक मैं आप लोगों को अच्छी तरह बता देता हूँ और जिससे आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगा, बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा कि टैग हम लोगों को कैसे फाइंड करना है। और गाइस वीडियो को थोड़ा सा ब्रेक करके मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मेरे चैनल पर 2 बोया MM1 माइक्रोफोन की गिव अवे चल रहा है, अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, जल्दी से पार्टिसिपेट कर लो। जस्ट अब एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि आपको एक थंबनेल के ऊपर वीडियो चाहिए, कि थंबनेल कैसे बनाते हैं इसके ऊपर वीडियो आपको चाहिए, तो आप क्या करेंगे यूट्यूब में सर्च करेंगे। तो मैं स्क्रीन में जाता हूँ, यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ हाउ टू मेक थंबनेल, तो जस्ट यहां पर मैं लिखता हूं हाउ टू मेक TAS थंबनेल, कंप्लीट लिखा ही नहीं हूं, TAS लिखने से यहां पर आ गया है हाउ टू मेक थंबनेल
फॉर यूट्यूब वीडियोस। और ज्यादातर लोग क्या करते हैं, देखिए हाउ टू मेक थंबनेल फॉर यूट्यूब वीडियोस एक कंप्लीट नहीं लिखते हैं। हाउ टू मेक इतना लिखना तो जरूरी है, थंबनेल का टी एस लिखते हैं। थंबनेल का टी एस लिखने से ही हम लोगों के सामने थंबनेल के बहुत सारे टाइटल आ जाते हैं और लोग यहाँ पर जाके डायरेक्ट क्लिक कर लेते हैं, बाकी के अक्षर नहीं लिखते हैं। हाउ टू मेक टी एस लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर आया है उसके बाद थंबनेल्स फॉर यूट्यूब वीडियोस, तो लोग क्या करेगा कि हाउ टू मेक थंबनेल फॉर यूट्यूब वीडियोस जो नीचे आया है जस्ट यहाँ पर क्लिक कर देगा। तो इसीलिए टाइटल की जगह पर या फिर टैग की जगह पर ये सब लगाना हम लोग को जरूरी बनते हैं, ताकि लोग जब हमारे कैटेगरी के हिसाब से यूट्यूब में वीडियो सर्च करेगा हम लोग को वीडियो सर्च लिस्ट में आए। और इसी वजह से हम लोग को क्या करना होगा, अभी मैं आप लोग को बता दिया हूँ कि यहाँ पर हाउ टू मेक थंबनेल नहीं लिखना है, टी एस लिखने के बाद कुछ टाइटल और वहाँ पर शुरू होता है वो सब हम लोगों को उठा के टैग की जगह पर लगा देना है। तो अभी बात करते हैं कि मेरा टैग फाइंड करने का दूसरा तरीका क्या है और किस टाइप से मैं अपने वीडियोस के लिए टैग फाइंड करता हूं। तो गाइस इसके लिए भी एग्जांपल के तौर पर अलग कैटेगरी की एक वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूं। तो एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए कि आप एक वीडियो बनाया है आईफोन 12 अनबॉक्सिंग का और उस वीडियो के लिए बहुत ही बढ़िया बढ़िया टैग आपको फाइंड करना है, तो आपको क्या करना है चलिए मैं आपको बता देता हूं। और इसके लिए हम लोगों को अपने मोबाइल में टैग यू एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और मेरे मोबाइल में तो ऑलरेडी डाउनलोड है, अगर आपके मोबाइल में डाउनलोड नहीं है डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूं, आप वहां पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको जस्ट YouTube ओपन करना है, ओपन करने के बाद आपको YouTube में सर्च करना है iPhone 12 अनबॉक्सिंग। सर्च करने के बाद यहां पर iPhone 12 अनबॉक्सिंग का बहुत सारा वीडियो आ जाएगा और जो भी वीडियो आपको अच्छा लगता है या फिर आपको ऐसा लगता है कि एक क्रिएटर अच्छा टैग लगा सकते हैं, तो जो भी आइडिया होता है जो भी वीडियो आपको अच्छा लगता है उस वीडियो की लिंक को आपको कॉपी करना है। तो यहां पर मैं टेक्निकल गुरुजी की वीडियो की लिंक को कॉपी कर लेता हूं। कॉपी करने के बाद जस्ट हमें इसे मिनिमाइज कर देना है और उसके बाद जाना है टैग यू एप्लीकेशन के ऊपर और इसे ओपन करना है। और यहां पर बहुत सारे ऑप्शन है लेकिन हम लोगों को सेकंड नंबर पर राइट साइड में जो ऑप्शन है गेट टैग्स फ्रॉम यूआरएल, तो यहां पर क्लिक करना है। यहां पर क्लिक करने के बाद यहां पर तीन ऑप्शन आ रहा है और यहां पर हम लोगों को जस्ट पेस्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। पेस्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद ही हम लोगों के सामने टेक्निकल गुरुजी ने जितने भी टैग्स लगाए हैं अपने वीडियोस के ऊपर वो सभी टैग यहां पर शो हो जाएगा। लेकिन और एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बोल देता हूं जो कि आपके चैनल के लिए खतरा हो सकता है। देखिए यहां पर ये सब टैग कॉपी करने का ऑप्शन मिल जाते हैं लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि यहां से कॉपी करके डायरेक्ट आपकी चैनल के ऊपर मत लगाइए। जस्ट यहां से आप आइडिया लीजिए कि किस तरह का टैग लगाया है और खुद अपने हाथों से टाइप करके टैग लगाइए, और ना तो अगर यहां से अगर कॉपी करके लगाते हैं तो आपके चैनल के लिए खतरा हो सकता है। तो गाइस कुछ इस तरह करके मैं अपने वीडियोस के लिए टैग लगाता हूँ और मैं आप लोगों को दोबारा बोल देता हूँ कि टैग अपने वीडियोस को वायरल करने के लिए उतना ज्यादा मैटर नहीं करते हैं जैसे कि हम लोग जितना सोचते हैं। हम लोग सोचते हैं कि टैग अच्छा लगाने से ही हम लोग का वीडियो वायरल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि बाकी चीज़ों के ऊपर भी ध्यान दिया करो, अपने वीडियो की क्वालिटी, साउंड क्वालिटी, बोलने का तरीका, समझाने का स्टाइल, इन सब के ऊपर भी ध्यान दिया करो, तभी जाके टैग काम में आएगा। बाकी आप जितना भी मेहनत करके टैग क्यों ना लगाए फिर भी वो टैग आपका साथ नहीं देगा अगर वीडियो का क्वालिटी अच्छा नहीं होता है। तो गाइस आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, वीडियो को अभी के अभी लाइक और शेयर करते हुए कमेंट करके बताइए इसके बारे में आपको क्या कहना है, क्या आपको ये दो आइडिया पसंद आया है ये भी जरूर कमेंट करके बताना। और अगर आप चैनल बनाए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल सेलेक्ट कीजिए ताकि हमारे सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। तो आज के लिए इतना मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।